वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम फ्लूट में सीखेंगे सरगम की हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो बेसिकली मैं आपको सरगम की थोड़ी डिटेलिंग बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो ये मैं सी मिडिल फ्लूट पकड़ा हूँ। एक सी बेस आती है जो बड़ी फ्लूट होती है, ये सी मिडिल है जो बहुत कम्फर्टेबल एंड कॉमन है। सो सबसे पहले हम तानपुरा सेट करेंगे सी स्केल पे। हमने तानपुरा सेट कर लिया सी स्केल पे। सो अब हम बेसिकली जो कुछ शुरुआती फ्लूटिस्ट होते हैं उनसे मिस्टेक ये हो जाते हैं कि वो सा बेस से मान लेते हैं। जब सा हम नीचे से मानते हैं तो हमारे पास ये जो हायर ऑक्टेव का सा है उसके बाद हमारे पास नोट्स कुछ मिलते नहीं है। सो उससे बजाने में बहुत तकलीफ होती है। इनिशियली जब मैं यूट्यूब इरा के पहले जब खुद सीखता था तब मेरे से गलती हो चुकी है और उसे सुधारते मुझे बहुत साल लग गए। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि फर्स्ट टाइमर्स जितने भी हैं आप ये सा जो है यहां से लें, ठीक है। तो ये सा है, ये आप सेकंड होल मतलब फर्स्ट आप उठाएंगे तो ये रे होगा। गा म जो होता है ये म जो शुद्ध म होता है ये हाफ नोट है। सो आप जब ये हाफ ओपन करेंगे तब ये शुद्ध म होगा और अगर आप पूरा ओपन करते हैं तो ये तीव्र म होगा, ठीक है। प में कंप्लीट क्लोज होगा। ध में ओपन एक। नी के लिए हमें ये लास्ट बचा होगा और ये वापस सा का नोट है। अच्छा ये तो हो गए सात जो मेन स्वर है। अब हम इसके वेरिएशंस के साथ मैं आपको बताते जाता हूँ, प्ले कर देता हूँ। तो ये हो गया सा। सा अपने आप में इंडिपेंडेंट स्वर है और सा के दो वेरिएशन होते हैं, एक तो नॉर्मल सा और एक तीव्र सा। मैं दोनों बताता हूँ। अब रे। रे में हमारे पास तीन नोट्स हैं, शुद्ध रे, कोमल रे और एक तीव्र रे, ठीक है। अब ग, तो इसमें भी तीन नोट्स हैं, शुद्ध ग, कोमल ग, तीव्र ग, ठीक है। अब मा, मा में दो नोट्स होते हैं। मा एक बेसिकली जो शुद्ध मा होता है वो और तीव्र मा। मैं दोनों बजाता हूं। ये शुद्ध म है, ये तीव्र म है, ठीक है। प, सो बेसिकली जो प होता है ये सिंपल सिंगल नोट है। अब बहुत जो कुछ बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं वो बहुत हायर ऑक्टेव पे लेके जाते हैं पर जनरली हमारे कोई यूज नहीं होता उतने हायर ऑक्टेव पे। इससे ऊपर हम खींच नहीं पाते तो इसमें हमारा सुर बिगड़ जाता है। तो बेसिकली हम जो प है उसको सिंगल प ही यूज करते हैं, ठीक है। अब बजाएंगे ध। ये कोमल ध है, शुद्ध ध, नी, कोमल नी, ठीक है। और सा, सा जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो सा का कोई कोमल वेरिएशन नहीं होता, वो नी में ही चला जाता है। सो अगर आप हाफ नोट करते हैं तो वो तीव्र नी आ जाएगा और कंप्लीट ओपन करते हैं तो तीव्र सा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये बेसिक स्वर की प्रैक्टिस है। आप सात स्वर और जो बाकी इसके वेरिएशन है उनको बहुत फोकस करिएगा क्योंकि ये आपकी जो आगे आने वाली फ्लूटिंग की जो बारीकियां है उसको बहुत अच्छे से डिटेल वे में आपको ये समझाएगा, ठीक है।
जो इनिशियल फ्रूट पेयर्स होते हैं उनको इस जो माँ है मतलब शुद्ध माँ से जाने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो उसको आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। सो अगर आपका ये बेसिक फंडा क्लियर है तो उसके बाद बॉलीवुड सॉन्ग्स को बजाना कोई बहुत टफ चीज नहीं है। और बेसिकली अगर हम सिस्टम में चलते रहे तो एक सिस्टम के थ्रू चीजों को ग्रास्प करना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप ये जो माइनर वेरिएशंस है कोमल शुद्ध और तीव्र, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और ये जब आपके फंडे क्लियर हो जाए तो आपको फिर नेक्स्ट किसी भी राग सीखने में, क्योंकि बहुत से जो राग हैं जैसे राग पूरी या धनुष, उसमें कोमल राग यूज होता है। और डिफरेंट डिफरेंट रागस हैं जैसे राग हंसलधनी है तो उसमें कुछ नोट्स बजाए ही नहीं जाते, तो ये आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप पहले इन जो बेसिक चीज़ें उसका प्रैक्टिस कंप्लीट करिए, सुर को अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।